नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एस्ट्रो दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, दीपावली हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक है। इस दिन को लक्ष्मी पूजा का दिन भी माना जाता है, लेकिन दोस्तों इस दिन माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। इसकी एक वजह तो यह है कि हर शुभ मांगलिक कार्य से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है, लेकिन दीपावली के दिन संयुक्त रूप से लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है और यह परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए एक बार उन्होंने देवी पार्वती के सामने अपनी कामना व्यक्त की थी कि वो देवी पार्वती के दो पुत्रों में से एक को दत्तक पुत्र के रूप में अपनाना चाहती हैं। देवी पार्वती ने उनकी यह कामना पूरी की और गणेश जी को लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र के रूप में देना स्वीकार किया। यह बात सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि आज से मैं अपनी रिद्धि सिद्धियां अपने दत्तक पुत्र गणेश को देती हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों लोकों में जो भी व्यक्ति गणेश जी का अनादर करेगा और गणपति की पूजा नहीं करेगा, उसको कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे साथ श्री गणेश का पूजन न करने वाले से भी मैं प्रसन्न नहीं रहूंगी। ऐसा माना जाता है कि तब से ही माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश की पूजा का विधान शुरू हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। लोक कथाओं से हटकर एक अन्य वजह भी है जिसके चलते लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। दरअसल हिंदू धर्म में गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। यदि आपके पास बहुत धन है लेकिन बुद्धि और विवेक नहीं है, तो आप धन संचित करने में असफल हो सकते हैं, क्योंकि धन विवेक का हरण कर लेता है। ऐसे में धन जिस गति से आपके पास आता है उसकी दोगुनी गति से चला जाता है। वहीं लक्ष्मी जी के साथ यदि आप भगवान गणेश की पूजा भी करते हैं तो आपके संचित धन में वृद्धि होती है और उसका सही इस्तेमाल भी आप सही तरीके से कर सकते हैं। यही वजह है दोस्तों कि लक्ष्मी जी के साथ बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा करना भी बहुत आवश्यक माना जाता है। वहीं दोस्तों, दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ ही कुबेर देव की पूजा करना भी जरूरी माना जाता है। देवी लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, लेकिन कुबेर महाराज देवताओं के खजांची यानी कि कोषाध्यक्ष हैं। धन की देवी की कृपा के साथ ही आपको कुबेर देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता आप पर भले ही कृपा बरसाएं, लेकिन धन आपको मिलेगा कुबेर देव से ही। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश के साथ ही कुबेर देव की पूजा भी अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए दिवाली का त्यौहार मंगलमय हो और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।